हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं, जो कि 11 अक्टूबर को इंटरव्यू हुआ है सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षा, उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ओ लेवल क्या है। ओ लेवल क्या है उसके बारे में बताना है आपको कि ओ लेवल क्या है। तो ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स NIELIT द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक। और यह ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन वर्ष में 2 बार लिया जाता है। ओ लेवल के लिए दो बार एडमिशन एक वर्ष में लिया जाता है, जिसका आयोजन जुलाई तथा जनवरी में किया जाता है, क्योंकि कोई भी शिक्षार्थी जो 10+2 की योग्यता रखता है या फिर ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट रखता हो, ने इस कोर्स में प्रवेश ले सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि हाई स्कूल इंटर और जो ITI किया हुआ है वो लोग ओ लेवल के लिए योग्य होता है। इसके बाद देखिए क्या है, इस कोर्स को करने के बाद अभ्यर्थी ए लेवल कोर्स करने के लिए पात्र हो जाता है, मतलब कि ए लेवल कोर्स कंप्यूटर अनुप्रयोगों में एडवांस डिप्लोमा के बराबर ही समझा जाता है। और इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोगों को ये सारे PDF चाहिए जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको PDF दे दिया करूँगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ओ लेवल कोर्स कितने दिन का होता है। ओ लेवल कोर्स 1 वर्ष का होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लागत एवं प्रबंधन लेखाकरण के ग्राहक कौन होता है। तो प्रबंधक होता है, लागत एवं प्रबंधक लेखाकरण के ग्राहक प्रबंधक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो, जब एक वस्तु बहुउद्देश्य में प्रयुक्त होती है तो ऐसी मांग को किस मांग के नाम से जाना जाता है। तो इसे सामूहिक मांग के नाम से जाना जाता है। और एक चीज मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग के लिए मैं ये वीडियो तैयार करता हूँ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, टाइपिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। और आप लोग इस वीडियो सिर्फ देखते हैं और लाइक या कमेंट कुछ भी नहीं करते, तो आप लोग कम से कम लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अल्फ्रेड मार्शल ने किस सिद्धांत का सूत्रपात और विकास किया था। तो अल्फ्रेड मार्शल ने किसका सिद्धांत और सूत्रपात किया है, तो वो है उपभोक्ता बचत के सिद्धांत का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार कौन सा है। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार NASDAQ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, किसने मजदूरी अधिशेष मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने मजदूरी अधिशेष मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो वो है कार्ल मार्क्स। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए पूछा गया है, ये आपका साइंस से पूछा गया है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो रेटिना पर बनता है मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वो है 1 KB मतलब 1 KB में कितनी बाइट होती है। तो 1 KB में 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। इसके बाद देखिए पूछा गया है जो क्वेश्चन, वो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था। तो पहला भारतीय नागरिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें 1913 में दिया गया था पहला नोबेल पुरस्कार, मतलब पहला भारतीय नागरिक थे ये। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। और साथ ही साथ आप लोग लाइक करते चलिए। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन जो है वो, डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यह जनरेटर की भांति होती है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
जो पूछा गया है वो पूंजी खर्च किसे कहते हैं। पूंजी खर्च किसे कहते हैं, मशीन को खरीद के स्थान से स्थापित करने के स्थान तक लाने के लिए बीमा खर्च को पूंजी खर्च कहते हैं। मतलब किसी भी मशीन को जब खरीद लेते हैं उसके बाद उस स्थान से लेकर जहां तक स्थापित करने तक जो खर्च आता है उसे पूंजी खर्च कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है ये, प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। तो प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, हेनरी फेयोल है। और इसके बाद जो पूछा गया है वो लागत चालक किसे कहते हैं। लागत चालक के बारे में आपको बताना है, एक चर जैसे कि क्रिया जिसके द्वारा निर्धारित समय में लागत होती है उसे लागत चालक कहते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो महिला कल्याण मंत्री कौन है। तो महिला कल्याण मंत्री आप लोग जानते ही होंगे, ये रीता बहुगुणा है। बहुत बार पूछा गया है ये इंटरव्यू में, जूनियर असिस्टेंट वाले इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था कई बार। और एक बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीटेड क्वेश्चन हैं जिन्हें मैंने अपने वीडियो में नहीं लिया है, इसलिए आप उन सब क्वेश्चन को देखने के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें, ताकि एक बार रिविजन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ वाणिज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री के बारे में पूछा गया है कि कौन है वाणिज्य और नागरिक उड्डयन मंत्री। तो सुरेश प्रभु जो हैं वो वाणिज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसके बाद जो पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी 2000 से 2001 ईस्वी में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान देने वाला पहला व्यक्ति जो है वो मंगल पांडे था। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए और वो सब आसानी से इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाएं। और व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं आप लोग तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और धन्यवाद।